वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और यह है वीडियो नंबर 2 जिसमें बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट की स्टार्टिंग करेंगे और बताएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। यानी कि यहां पर आप लोगों को देने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज, क्या होते हैं इंडिकेटर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए, इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज देते हैं कि इंडिकेटर्स एक्चुअल में होते क्या है। देखिए मैं बिल्कुल कॉमनली आपकी लाइफ से एग्जांपल उठाने वाला हूं कि आपकी लाइफ में कहां कहां आपने इंडिकेटर देखे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इंडिकेटर मैं स्टार्ट करता हूं आपके स्विच बोर्ड से, यानी कि जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड होता है उसमें रेड कलर का एक बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब होता है, वो क्या होता है, वो इंडिकेटर होता है, उसको भी हम इंडिकेटर बोलते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो लाइट आ रही है घर में या नहीं आ रही है, तो हमें पता चल जाता है देखकर। इसके अलावा हमने करके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, जैसे स्टेबलाइजर, उसमें भी दो इंडिकेटर होते हैं, एक ग्रीन होता है एक रेड होता है। ग्रीन कब चलता है, जब लाइन ऑन होती है, मींस परफेक्टली वर्किंग होती है डिवाइस की। रेड कब होता है, जब लाइट बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाती है, मींस कट कंडीशन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग LCD, LED, TV का इस्तेमाल करते हैं, रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, हमें वहाँ पर इंडिकेशन मिलता है। कंप्यूटर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में अलग अलग, लैपटॉप में अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं। मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल की टॉप स्क्रीन पर कुछ ब्लिंक करता रहता है, और जब चार्जिंग करते हैं डिस्चार्जिंग करते हैं तो उसके दौरान अलग अलग लाइटें यूज हो सकती हैं अलग अलग फोनों में। इसके अलावा जब आप रोड पर चलते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, बाइक, स्कूटर या कार, या इवन बड़े बड़े ट्रक, वहाँ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ लाइटें आगे होती हैं, कुछ लाइटें पीछे होती हैं। उनमें से आगे लगने वाली कुछ लाइटों को हेडलाइट बोलते हैं, जिससे रात में काम आती हैं। इसके अलावा भी पीछे कुछ ऐसी लाइटें होती हैं जिसके सिंबल्स अलग अलग होते हैं, यानी कि वी कैन से इंडिकेटर्स। अच्छा, हर गाड़ी में पीछे बैक कलर की लाइट होती है, वो अगर जल रही है इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सा रुकना है। अगर कहीं वो लाइट जलती है, आप लोग पीछे गाड़ी से चलने वालों को ध्यान रखना पड़ता है। कारों में ऊपर एक लाइट आती है शीशे के ऊपर, या कुछ गाड़ियों में नीचे भी आती है, उससे ट्रैफिक में पता चलता है कि आगे वाली गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ है, आगे ट्रैफिक है, तो ये इंडिकेट ही तो कर रहा है। इसके अलावा गाड़ी अगर लेफ्ट मुड़ती है, राइट मुड़ती है, या खड़ी होती है कहीं नाइट में, तो चारों इंडिकेटर जलते हैं। लेफ्ट जाने के लिए वो येलो कलर का बल्ब जलता है, जो लाइट का इंडिकेटर, उसको भी बोलते हैं। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, चारों इंडिकेटर जलाना है, ठीक है, ऑल आर द इंडिकेटर्स। अच्छा, कभी भी आप रात में चल रहे हैं, आपने नाइट में अगर ड्राइविंग देखी हो चलाते समय गाड़ी को, तो लाइट अप एंड डाउन करते हैं अगली गाड़ी को पास करने के लिए, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर। नाइट में हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लाइट को अपने अप एंड डाउन करते हैं, जिसको हम लोग को पास मिल जाता है, साइड मिल जाती है। यस, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हम अपने आसपास ट्रैफिक जो पुलिसमैन होते हैं उनको भी जानते हैं, वहाँ भी सिग्नल्स में हम लोग को छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। दे आर सो मैनी इंडिकेटर्स इन अवर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए इस चैप्टर में इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको बात करनी है एसिड और बेस को बताने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर बोला जाता है। यानी डेफिनेशन सुन लेते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आइडेंटिफाइज एसिड्स और बेसिस आर नोन एज इंडिकेटर्स। यानी ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के बारे में जानकारी दें, बेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दें, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड्स और बेसिस को बताने वाले सब्सटेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर। यानी कि बता रहा है एसिड के बारे में, बेस के बारे में बता रहा है, तो उसको इंडिकेटर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंडिकेटर्स समझ में आ गया होगा। तो वो सब्सटेंस जो एसिड को आइडेंटिफाई करें, बेस को किसी भी तरह से कर सकते हो, उनका एक्शन अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है काम करने का, बट अगर वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो दे मस्ट बी एज इंडिकेटर, उनको हम इंडिकेटर ही बोलेंगे। तो चलिए इंडिकेटर आप लोगों को समझ में आ गया, बात कर लेते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए हम लोग क्लास 10th में हैं, तो 10th लेवल से बात करेंगे। क्लास 10th और 9th में हम लोग को लैब में अगर जाने का चांस मिलता तो वहाँ पर दो इंडिकेटर कॉमनली मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं, और भी मिल जाएंगे, फिनोक्लिन मिल जाएगा, लिटमस पेपर कॉमन इंडिकेटर जो आप लोग को मिल जाएगा, फिनोक्लिन, मिथाइलिन एंड सो मेनी इंडिकेटर्स आर देयर। तो हम बात करते हैं इसी बारे में, कंप्लीट डिटेल करेंगे, जिससे आप लोग को बोर्ड में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, हमें
स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिकेटर जैसे फेनोप्थेलिन इंडिकेटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस पेपर हो गया, दीज आर द इंडिकेटर्स जो आप लोग कभी पूछा जाता है कि राइट द टू नेम ऑफ इंडिकेटर्स, आप इजीली लिख सकते हैं। अगला है लिटमस, जो होता है वो एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है विच इज यूज्ड इन टेस्ट एसिड और बेसिस। देखिए हमें सब्सटेंस जो लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, इस बारे में जानकारी देने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिटमस सॉल्यूशन हमें या लिटमस पेपर आसानी से दे देता है, तो इट इज यूज्ड एज आइदर लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। यानी लिटमस जो होता है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है, या तो पेपर की फॉर्म होता है, स्ट्रिप होती है पतली सी, या फिर इसको हम लिटमस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देन इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, रेड और ब्लू, ध्यान रखना रेड और ब्लू। रेड अगर आप किसी सब्सटेंस में डालते हो अगर चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है, ध्यान से सुनना। रेड लिटमस को सॉल्यूशन को या पेपर में आपने किसी सब्सटेंस में डाला और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो एसिड है, और अगर आपने रेड डाला और रेड से कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है इसका मतलब बेसिक है। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक, आर चुकी रेड है और रेड जो होता है सिग्नल डेंजर का होता है, एसिड भी काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी तरह से आप उल्टा कर लीजिए इसको, अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेके चलते हैं कोई चेंज नहीं आता है इसका मतलब बेसिक, और ब्लू टू रेड हो जाता है इसका मतलब एसिड, समझ गए ना। ध्यान रखना बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, ध्यान रखना इस चीज का, भूलना नहीं है। अच्छा ओके, अब बात कर लेते हैं एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, आई हैव ऑलरेडी क्लियर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर विद एसिड, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो क्या करता है, रेड कलर होता है। ये चीजें पूछी जाती हैं, एसिड में ये रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज, ये चीजें ध्यान रखना, और येलो कलर देता है ये बेस के साथ, इज इट क्लियर। तो बेस और एसिड इसमें कलर ध्यान रखना, क्योंकि जब बोर्ड में पूछा जाता है हमसे तो हम लोग का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और हम लोग इसमें जवाब गलत लिख देते हैं, ठीक है। अब फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है, जस्ट लाइक एज ए वॉटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल वॉटर की तरह दिखता है, बिल्कुल कलरलेस होता है। तो एसिड जो होता है उस मीडियम में जब एसिड में डालेंगे तो आपका कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, मतलब कलरलेस होता है जस्ट वाटर की तरह, तो नो चेंज इन कलर इफ सब्सटेंस इज एसिडिक। और यदि सब्सटेंस बेसिक हो गया, यदि सब्सटेंस बेसिक हो गया तो क्या करेगा, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन, और फिनोप्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन बेस और बेसिक सॉल्यूशन, ध्यान रखना कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन अब बात करते हैं लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, कभी पूछ लिया जाता है राइट द नेम ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर, कॉमनली लिख सकते हैं कॉमन इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस लिख सकते हैं आप लोग, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लिचेन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट से बनाया जाता है लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन एट प्लांट नोन एज लिचेन, लिसन ओके एंड रिमेंबर ऑलवेज। अगला है व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है देन इट इज पर्पल इन कलर। अगर न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन अगर होगा तो उसका कलर ध्यान रखना पर्पल होता है। अगला अदर एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, इसके अलावा भी हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ध्यान रखना हमें, जो हम कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं हम अपनी लाइफ में, बिना पढ़े लिखे इंसान भी देखता है लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको हल्दी से रिलेटेड एक कॉमनली चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो देखिए हल्दी जो कि कलर में येलो होती है सब जानते हैं, सब्जी में हम लोग डालते हैं पड़े, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में, और इसको अगर हम बात करें रेडिश ब्राउन हो जाती है बेसिक मीडियम में, सुन लीजिए। हम लोगों ने शादियां तो अटेंड सबने की है, क्या होता है कि शादियों में कुछ रस्म होती है जिसके अंदर हल्दी मारी जाती है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्या है, हल्दी मारी जाती है, क्यों मारी जाती है, ये हमारा पैटर्न नहीं है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की बात करेंगे। ऐसा होता है जिन कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, आपके घर में किसी न किसी की हल्दी लगी होगी,
कहीं शादी अटेंड करने में गए होंगे, आपके पापा चाचा ताऊ जो भी हैं, तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब हल्दी लगती है उस दौरान येलो होती है, हम छुड़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ा है जिन कपड़ों पे लगती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं, ठीक है। जब हम उन्हें धोते हैं साबुन से तो उनका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्यों भाई? हम कहते हैं हल्दी छूट नहीं रही, इसका कलर कैसा हो गया, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हल्दी होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन में तो येलो रहती है, तो वाटर और सोप में कोई एसिडिक है नहीं, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशनों से मिलेगा, बेसिक मतलब जो साबुन होता है उसके साथ क्या करता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, इसलिए आपको बहुत डार्क रेडिश ब्राउन कलर दिखता है। तो समझ गए होंगे ये हमारा इंडिकेटर है, ओके गुड। देन एक और अनदर एग्जांपल रेड कैबेज। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट सभी लोग जानते हैं कैबेज क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो रेड कैबेज होती है एसिडिक मीडियम में रेड होती है, मतलब नो चेंज इन कलर, और ग्रीन इन बेसिक मीडियम। तो कलर का वैसे ध्यान रखना है, जो कैबेज होती है रेड वाली, रेड इन एसिडिक मीडियम बट ग्रीन इन बेसिक मीडियम, यस। आगे देखिए एक अगला है हाइड्रेंजिया प्लांट जो है, हाइड्रेंजिया प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं ये ब्लू होते हैं एसिडिक मीडियम में, यस। हाइड्रेंजिया प्लांट फ्लावर्स ब्लू इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन बेसिक मीडियम, ध्यान रखना इस चीज का, भूलना नहीं है। एसिडिक मीडियम में ये कैसा होता है, यस ब्लू, बिल्कुल हटके है, और ये कैसा होता है पिंक इन बेसिक मीडियम, ध्यान देना पिंक ये भी बेसिक है, और इधर आपका जो मिथाइल ये आपका फिनोक्टिलीन है ये भी पिंक है, ध्यान रख लेना कॉमन है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आखिरी एक टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस इट्स स्मेल व्हेन गोज इनटू द एसिड और बेसिस। अभी तक तो मैंने जो बात की थी वो थी कलर की बात, लेकिन अब ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिड या बेस में जाने पर अपनी स्मेल, मतलब जो उनकी ओडर होती है उसको बदल लेते हैं, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एक बार डेफिनेशन फिर सुनिए कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस और नेचुरल सब्सटेंसेस विच चेंजेस इट्स ओडर व्हेन प्लेस्ड इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, देन सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ में आ गया होगा, अब एग्जांपल पर बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन तो मैं आपको बता दी, तो आपका वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला का नाम तो सुना होगा आइसक्रीम का तुम्हारा फ्लेवर, ओके वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया। ऑनियन पड़े खाते हैं हम सब्जियों में, तो जब बेस का प्रेजेंस होता है चाहे वो वनीला हो ऑनियन हो, तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ दीज इंडिकेटर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ध्यान देना। जब इनको बेस के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा तो इनकी स्मेल जो प्याज में स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पता चल जाता है। वनीला की अपनी एक स्मेल होती है, तो ये आप इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एसिड में डालते हैं तो इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा जैसी ऑर्डर मिलती है प्याज की या वनीला की वैसी ही आप लोगों को मिलेगी। तो ये थी कंप्लीट स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जो टॉपिक बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको कोशिश किया कवर करने की, और अगर आप लोग कुछ एडअप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, अपने तरीका बताएं, आप लोग किस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कहां आप लोगों को समस्या आती है केमिस्ट्री पढ़ने में, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं ताकि आप लोग पढ़ के अच्छा कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरी इस फैमिली के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और उसके बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख पाए। धन्यवाद।